हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड, यानी इस क्यूब रूट यानी घनमूल के कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले भी क्यूब रूट की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, 5-6 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उसमें से एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से, और भी हमने शॉर्टकट वाली भी बनाई हैं। तो इसमें मैं क्यूब रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में जो आप लोगों ने देखी है, उसको बहुत ही अच्छे से सराहा है, उसको लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तो उसको बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और उसमें जो क्वेरीज थी उन वीडियोज़ में जो हमने क्यूब रूट की जो वीडियोज़ बनाई हैं, जो कि आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई हैं, तो उनमें कुछ डाउट्स थे, कुछ तो वो क्लियर करने थे, तो क्रम से मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसमें इस वीडियो में मैं कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जैसे किसी ने पूछा था कि पेयर्स कैसे बनाते हैं, पेयर्स कैसे बनाते हैं ये पूछा था। किसी ने पूछा था कि आपने बहुत बड़े बड़े यानी लार्ज नंबर्स ले लिए हैं, तो इतना लार्ज नंबर का आप सिखा रहे हैं एकदम से, तो मैं कुछ छोटे नंबर यानी स्मॉल नंबर्स का भी क्यू रूट इसमें बताने वाला हूं वीडियो में। ठीक है, अच्छा, किसी ने पूछा था कि कैलकुलेशन में 2 डिजिट्स क्यों छूटते हैं, क्योंकि हमने क्या है उसमें वैदिक मैथ में भी उसको भी सॉर्ट करके बनाया हुआ है। ठीक है, वैदिक मैथ को, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन में 2 डिजिट क्यों छोड़ते हैं। और कैलकुलेशन में किसी ने पूछा था कि कैलकुलेशन में 2 जीरोस क्यों लगाते हैं, 2 जीरो क्यों लगाते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। किसी ने पूछा था कि डेसिमल के 3 डिजिट तक हम कैसे निकालेंगे, डेसिमल के 3 डिजिट तक हम क्यूब रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये सारी क्वेरीज मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि पेयर्स कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या के क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 3 डिजिट का यानी 277, ये 3 डिजिट हो गई, इसका एक पेयर बन गया, फिर 356 यानी इनका एक पेयर बन गया, फिर 492 3 डिजिट हैं, इसका भी एक पेयर बन गया, और 244 ये इसका एक पेयर बन गया। अगर लास्ट में, मान लीजिए लास्ट में अगर ये 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट होती या 1 डिजिट होती, तब भी हम इसका एक ही पेयर काउंट करते। अब इसका देखिए यहाँ पे, अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट साइड से 3 डिजिट ले ली, एक पेयर बन गया, इसमें 368 3 डिजिट ले ली, एक पेयर बन गया, और 430 ये 3 डिजिट ले ली, एक पेयर बन गया। तो इस तरह से 3 पेयर हो गए, ऊपर वाले में 4 पेयर हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 008 यानी 3 डिजिट हैं, इसका एक पेयर बनाया, 003 यानी ये भी 3 डिजिट हैं, इसका एक पेयर बनाया, और 16, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट कितना बचा, बचा कितना है 16, खाली 2 डिजिट बनी है, तो इसका भी हम एक पेयर बनाएंगे। इसमें 3 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे लास्ट में, या 1 डिजिट बचे, उसका हम एक पेयर बना देते हैं। तो इस तरह से इसके कितने, 3 पेयर हो गए। ठीक है, इसमें एक और खास बात है कि जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही डिजिट में इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम डेसिमल वाले का बताने वाले हैं कि डेसिमल में पेयर कैसे बनाते हैं। तो डेसिमल के पहले तो हम लेफ्ट साइड का जो यानी डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है उसमें तो हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए थे। यहाँ पर 324 3 डिजिट हैं, इसका एक पेयर बन गया, और 101 का एक पेयर बन गया। अब इधर हम क्या करेंगे, इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ पे 12 खाली 2 डिजिट हैं, तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से फिल करेंगे 0, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है, तो इसके इस तरह से पेयर बन गए। अब इसके आगे वाले जो पेयर बनाएंगे, मान लीजिए डेसिमल में आगे निकालना है तो 000 लिख देंगे इसमें। अब इस तरह से पेयर बनते चले जाएंगे जब तक हमें जितनी डिजिट तक निकालना है, 3 जीरो का एक पेयर बनेगा, फिर आगे भी 3 जीरो का एक पेयर बनेगा, तो इस तरह से लाइक दैट बनता जा रहेगा। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहां से देखिए ये एक पेयर है, 3 डिजिट है, तो ये एक पेयर बन गया, और ये एक पेयर बन गया, यानी 2 पेयर इसके बन गए। तो यहां से बनाएंगे, इसके 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा, इसमें 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा, और इसके पहले ये 0 है, तो 0 का क्यूब रूट तो 0 ही आएगा। इसको 000 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 000 पॉइंट, तो वो तो बात वही है। अच्छा, इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसमें 0.08 है, तो यहां पे हमें 2 डिजिट 2 जीरो, जैसे कि हमने यहां पुट किया था 1 जीरो पेयर बनाने के लिए, तो यहां पे भी पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से 2 जीरोस पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, सवाल बड़ा छोटा सा होता है, बहुत सिंप्लीफिकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस तरह से लिखा रहता है, और फिर कुछ और प्लस माइनस डिवाइड वगैरह होता है, और उसमें हम कई बार बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है 8, इसका मतलब 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा। अब 8 का क्यूब रूट अगर 2 होगा तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 तो ये आ गया, अब यहाँ पे कितना बन रहा है, एक पेयर बन रहा, तो जितने पेयर बन रहे होते हैं उतने डिजिट बाद हम डेसिमल लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना पेयर बना, एक पेयर बना, तो एक डिजिट बाद हम ऐसे डेसिमल लगा देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देखिए 729
729, जैसा कि हमें पता है कि 9 का क्यूब होता है 729, इसका मतलब 729 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। तो 729 का 9 होगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका 9, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाएंगे हम, तो इसमें कितना, एक पेयर है, ओनली वन पेयर है, तो वन डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है, यानी 0.9 आ गया। इसको देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 729 का क्यूब रूट 9 होता है, ये हमें पता ही है, तो हमने यहाँ लिखा 9, लेकिन अब डेसिमल कितने लगाने हैं, तो देखिए कितने पेयर हैं इसमें, 1, 2 पेयर्स हैं, तो 2 डिजिट बार डेसिमल लगाना है, तो 1 और 1 और 0 लगाएंगे हम अपनी तरफ से, तो ये हो गया 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट्स बार डेसिमल लगाएंगे और फिर 0 लगा देंगे, तो 0.09 इसका आंसर हो गया। देखिए कई बार इसमें भी गलती कर जाते हैं, ऐसे 0.8 लिखा होता है, आंसर हम 0.2 लिख देते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसी कई बार हो जाती हैं, तो कई बार क्या होता है, सरल सरल चीज़ें भी हमारी गलत हो जाती हैं, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए। देखिए इसका क्या होगा, ये किस क्या है, 0.800, मतलब अप्रोक्सीमेट किसके पास है, ये 0.729 के पास है, और 0.729 का आंसर कितना आया, 0.9, यानी अप्रोक्सीमेट इसका 0.9 आएगा आपका आंसर, ठीक है, तो 0.9 आंसर इसका आएगा, ठीक है, इसका 2 नहीं कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज हम बताएं कि इसमें चूंकि जैसे कि हमें जो इसका डिटेल बताना है, जो भी क्वेरीज आपके द्वारा की गई हैं, तो उसको हम साथ साथ में साइमल्टेनियसली जो मैंने मेथड बताया है इसमें, मतलब वैदिक मैथ, और उसको भी थोड़ा सा सॉर्ट किया है, उसको और सॉर्ट कर दिया है, ठीक है, और एल्जेब्रिक मैथड, इन दोनों को कंपेयर करते हुए मैंने बनाया है, जो मैथड बनाया है, तो उसमें उसमें क्या है कि उसमें एल्जेब्रिक मेथड से भी हम कंपेयर करते हुए बताएंगे। तो एल्जेब्रा में क्या है, जब हमें क्यूब निकालना होता है, तो एल्जेब्रा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² y + 3xy² + y³। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 8th-9th से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा इकाई अंक है, यूनिट प्लेस का इकाई अंक है, और ये हमारा दहाई अंक है, ये क्या है, हमारा दहाई अंक है, ठीक है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। दहाई अंक का मतलब क्या होता है, जिसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ये यूनिट है, ये 10 है, ये यूनिट है, ये 10 है, तो इस तरह से ये मान के चलते हैं हम इसमें काय में, जो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे और इसमें उल्टा निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में देखिए, अभी ये हमने बताया इकाई दहाई, ये हम बाद में बताएंगे कैसे क्या आया। यहाँ पे देखें आप, एक्स क्यूब है, तो पहले हम इसका स्टेप उल्टा करके फर्स्ट स्टेप में हम इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो हम जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब हम एस्टिमेशन निकालेंगे, तो एस्टिमेशन निकालते समय जब हम एल्जेब्रा द्वारा बताएंगे, एल्जेब्रिक मेथड से बताएंगे, तो एस्टिमेशन में हम 3x² y को यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3x² y को यूज करेंगे, लेकिन जब हम इसका एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो इन पूरे तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, 3x² y + 3xy² + y³, ठीक है, इन तीनों को लेके चलेंगे, और तब तक इनको स्टेप को एस्टिमेशन करेंगे तो इससे करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो इससे करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट एस्टिमेशन, मान लो एस्टिमेशन सेकंड एस्टिमेशन आएगा तो फिर सेकंड एस्टिमेशन निकालेंगे, उसमें एक्स वाई की वैल्यू रख के फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इस तरह से करते रहते हैं, ये दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जब तक चलती रहती है, जब तक हमें जहां तक भी निकालना है, ठीक है, अगर हमसे कहता है वो 2 डिजिट तक निकालो, तो 2 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, या कंप्लीट कहां तक निकालना है, कितना बड़ा है, जैसे ये इतना बड़ा है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से उसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तो इसमें कुछ क्वेरीज आपको क्लियर करनी थी, तो इसमें ज्यादा समय न लेते हुए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें किस तरह से करना है। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से नंबर से, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि बड़ा नंबर, लार्ज नंबर लिया है आपने, तो मैं छोटे से नंबर से आपको बताता हूं कि किस तरह से क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 16 16 4 64, 4 का क्यूब यानी घन होता है 64, और 5 का होता है 125, 125 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का क्यूब लेंगे हम, तो यहां पे क्या करेंगे, 4 का क्यूब लेंगे, 4 यहां पे लिख देते हैं हम, ठीक है, 4 4 द 16 और 16 4 द 64, तो 64 हो गया, और यहां आंसर बॉक्स में कुछ लोग यहां पे लिखते हैं, आंसर बॉक्स में कुछ लोग यहां पे लिखते हैं, तो आप जहां चाहे जहां मर्जी हो वहां लिख ले, मैं तो यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे इसको 4 लिख देता हूं मैं आंसर बॉक्स में, मतलब ये एक आंसर बॉक्स में हमारा 4 हमने भर दिया, 4 4 द 16 16 4 द 64, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहां पे 64 यानी 64 हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहां पे कॉपी कर देंगे, और इसको हम माइनस करेंगे, यहां पे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए 4 में से 4 गया तो क्या बचा, 0 यहां पे लिख दिया, और 7 में से 6 गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो यहां पे लिख दिया। अब देखिए इन 3 डिजिट को हमें कॉपी करना है नीचे, इनको पूरा यहां पे लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे 0 8 और 8, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। अच्छा,
इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 4 + 4 + 4 यानी 12। तो यहाँ पे 12 इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे एक डिजिट के लिए स्पेस बना रहे, क्योंकि यहाँ पे अब हम एस्टिमेशन लेने वाले हैं। तो एस्टिमेशन में जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि यहाँ पे हम दो डिजिट को छोड़ के चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम 100 लेके चलेंगे, यहाँ पे 100 लेके चलेंगे, इसमें लास्ट की 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं, इन 2 डिजिट को हमने छोड़ दिया और यहाँ पे 100। सो 100 / 12 ये जो फिगर है यहाँ पे, और 100 / 12 × 4। तो देखिए हम यहाँ पे इसको बता देते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 100 हमने लिखा और 100 / 12 × 4, सो दैट इज 100/48। 100 / 12 × 4 = 48, 48 × 2 = 96, अप्रॉक्सीमेट 2 आया हमारे एस्टिमेट। अब देखिए अप्रॉक्सीमेट 2 एस्टिमेशन आया, तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हम एज्यूम क्या करके चलेंगे, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 4 4 4 तीन बार आया, तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, और ये 4 हमारा ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा डायग्राम, किस तरह से बन जाएगा, देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये 2 इधर लिखा, इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, जी हो गया 122, इधर ऊपर 4th आई। अब इसको करना कैसे है, जब हम फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे इसकी स्टेप 2 स्टेप में पूरी कैलकुलेशन करनी है, जबकि एलजेब्रिक मेथड से 3 स्टेप होते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है। तो हमने इसमें एक स्टेप को शॉर्ट किया है, मतलब इसको शॉर्ट कर दिया, थोड़ा लेंथी मेथड था तो उसको और सॉर्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, पहली कैलकुलेशन में क्या होगा, 2 × 12 × 4, और 2 जीरो आपको अपनी तरफ से जोड़ देने हैं। वो क्यों जोड़ देने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि x जो है हमारा 10th डिजिट है, तो जहां पे x स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो 10 × 10 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और वो भी मैं क्लियर बताऊंगा अभी, और भी बताऊंगा। तो इसमें पहला स्टेप क्या हुआ, 2 × 12 × 4, तो 2 × 12 × 4, और ये 100 हमने क्यों लिया, क्योंकि x क्या है हमारा, दहाई अंक है, 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस में क्या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 9600, ठीक है। अब उसके दूसरे, अब देखो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में क्या किया कि 2 और 12 को अलग अलग कर दिया, 2 अलग, 12 अलग और 4 अलग, 2 × 12 × 4। लेकिन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों इसको एक फिगर क्लब कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 2 × 2 × 122, तो 2 × 2 × 122 दैट इज 488। अब इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमने इस तरह से किया है कि उसमें ऑलरेडी 480 प्लस 8 की कैलकुलेशन, कंबाइंड कैलकुलेशन आ गई, इसलिए हमने इसमें, क्योंकि ये तो 3x स्क्वायर y का है और दूसरा जो 3x y स्क्वायर था, तो उसके कैलकुलेशन में हमने ये 480 प्लस 8 का इकट्ठा कंबाइंड कैलकुलेशन कर दिया, जो कि हम जब एलजेब्रिक मेथड से यहाँ बताएंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको इसको प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस किया तो ये कितना आ गया, 100 1 0 0 8 8, यानी यहीं पे हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 1 2 2 2 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, माने आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे एस्टिमेशन क्या आया था, 2, और 2 एस्टिमेशन यहाँ करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 42 बन जाएगा, यानी क्यूब रूट अगर हम घनमूल निकालें 74088 का, तो वो 42 उत्तर होगा। चलिए ये तो एक छोटा सवाल था, अब थोड़ा सा बड़े सवाल को लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा डिजिट्स बढ़ा देते हैं, इसमें 5 डिजिट थी, अब हम 6 डिजिट का ले लेते हैं, ठीक है, या और बढ़ा ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं अपन इसके बाद में। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि एलजेब्रिक मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, तो फटाफट बता देते हैं, उसके बाद में मैं थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन लूँगा। तो देखिए हमने ये तो निकाला हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसा मैं करता हूँ। अब देखिए एलजेब्रा से कैसे आया ये, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि 2 जीरो क्यों यहाँ पर पुट किए और यहाँ पर 2 जीरो क्यों लगाए। तो देखिए वेरीफाई कर रहा हूँ इसको, कैसे करेंगे वेरीफाई, देखिए सबसे पहले हम एस्टिमेशन करेंगे 3x² y से। सो 3x² y = हमने यहाँ पे देखिए उसमें हमने क्या लिया था, सिर्फ 2 डिजिट लास्ट की छोड़ दी थी, मतलब 100 लिया था वर्क कैलकुलेशन में। यहाँ पे मैं एक्चुअल कैलकुलेशन में पूरा ले रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये ऐसा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो 3x² y का कैलकुलेशन इसके बराबर है। अब हमें देखना है यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 4 आई थी। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 4 आई थी, तो x = हमारा 4 था, क्योंकि पहला जो आंसर आता है वही हमारा x था, ठीक है। तो ये x था, तो x = 4 था, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 × 4 का स्क्वायर और × 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि x क्या है, ये 10th प्लेस है, और 10th प्लेस में क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो x स्क्वायर है, तो 2 बार, यानी ये 40 × 40 कर दो, या फिर
फोर का स्क्वायर इंटू टेन इंटू टेन हंड्रेड डायरेक्ट लिख दो तो उससे और अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है मतलब टेन इंटू टेन यानी हंड्रेड को आपको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तभी सही कैलकुलेशन आएगा। अब इस पूरे को कैलकुलेट किया आगे तो ये हो गया 4800 वाई इज इक्वल टू इतना, तो इसको अब जब करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आया इसका, टू कैलकुलेशन आया, जो कि हमने यहाँ पे देखिए अब शॉर्टकट में कितना आसान हो गया आपका, देखिए इतना मेथड आपका बच गया, इतना सब लंबा मेथड आपका बच गया, इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, कितना सिंप्लीफाई हो गया आप सोचिए। इसके बाद में अगला क्या है, x इज इक्वल टू फोर और y इज इक्वल टू टू हम वैल्यू रख देंगे, तो x इज इक्वल टू फोर और y इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर वाई की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब की कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अब थ्री एक्स स्क्वायर वाई की कैलकुलेशन में एक्स की जगह फोर लिख देंगे, वाई की जगह टू लिख देंगे, और चूंकि एक्स स्क्वायर दो बार है इसलिए टेन इंटू टेन हंड्रेड लिख दिया, तो ये आ गया। अब हमें लिखेंगे थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर तो थ्री इंटू एक्स की जगह फोर और इंटू टेन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एक बार एक्स आया, यहाँ क्या था दो बार था इसलिए हमने 100 लिखा था, और यहाँ पे y y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर किया तो ये 480 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए 3x स्क्वायर y और प्लस क्या था 3xy स्क्वायर और प्लस y क्यूब, अब y क्यूब की वैल्यू क्या होगी 2 की वैल्यू, 2 की क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगी, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे सो दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, देखिए ये आ गया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि ये आप कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट समझना है, करने को तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। आगे अगली एक और वीडियो में डालूंगा, उसमें मैं शॉर्टकट बताऊंगा 6 digit का भी, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, कई बार सिंप्लीफिकेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, ये नंबर ले लिया मैंने 8 digit का, देखिए 8 digit का ले लिया, तो इसकी पेयरिंग कैसे होगी, सबसे पहले इसकी पेयरिंग यहाँ से लेंगे हम राइट साइड से दूसरा पेयर, और ये लास्ट में जो बचा 2 digit इसका तीसरा पेयर बन गया। अब हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें देखिए 2 to the 4 to the 8, 3 3 the 9 3 the 27 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 4 2 8 3 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे भी 2 लेंगे और यहाँ पे भी 2 लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे 2 2 4 2 8 और यहाँ आंसर बॉक्स में हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर बॉक्स में 2 लिख लिया। अब यहाँ पे हमने 8 ले लिया और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और इधर ये निशान लगा दिया, 12 में से 8 गए तो कितने बच गए 4 बच गए। अब हमें इन 3 का पेयर, एक पेयर पूरा का पूरा उतार लेना है, यानी 8 1 2 को हमें पूरा कॉपी कर लेना है, बिल्कुल आसान है। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है पर बहुत ही आसान है, बहुत ही आनंद आएगा आपको। 2 और 2 4 और 2 6 इनका टोटल कर लिया और यहाँ पे हमने 1 digit के लिए प्लेस छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें एस्टीमेशन करना है, अब क्या करना है हमें एस्टीमेशन करना है, तो इसमें हम 2 digit छोड़ देते हैं अपनी तरफ से, ये हमारा मेथड है और फिर हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से भी बताएंगे। इसमें हम 2 digit छोड़ देंगे तो कितना बचा जी 48 बचा, 48 upon 6 into 2, तो ये हमने लिख दिया 48 upon 6 into 2 यानी 6 2 12 12 4 48 कितना आया अप्रोक्सीमेशन 4 आया, 4 अप्रोक्सीमेशन आया, यानी हम क्या एज्यूम करके चलेंगे इसमें, यहाँ पे 4 अगर अप्रोक्सीमेशन आया तो हम कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए इसको देखें जरा ध्यान से कि यहाँ पे 4 4 4 और यहाँ पे 2 होगा, तो पहले कैलकुलेशन में क्या होगा हमारा, इनको हम पहले में सेपरेट लेंगे तो 4 × 6 × 2 × 100 4 × 6 × 2 × 100 ये हमने 100 लिखा नहीं है इसमें, लेकिन आप इसमें हमने 00 डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि इसमें 2 0 लगा दीजिए तो इनटू 100 करेंगे तो ये 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया, हमने फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या किया 4 × 6 × 2 × 100 तो ये 4800 आ गया। अब दूसरे में क्या करना है हमें, इसको पूरे को 1 digit मान लेना है, पूरा एक नंबर मान लेना है सॉरी, तो 4 × 4 × 64 तो 4 × 4 × 64 ये हो गया 1024 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5824, लेकिन यहाँ पे तो 4812 है तो ये तो एक्सीड कर रहा है। तो जब कभी हमारा एस्टीमेशन एक्सीड कर रहा होता है तो हम एक रिवर्स जाएंगे, यानी हमारा एस्टीमेशन में 4 लगाया था, अब हम एस्टीमेशन को क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, यानी क्या करेंगे एस्टीमेशन को 3 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि मान लो ऐसा आ गया, देखिए वो पहला वाला सरल सवाल था लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको सरल ही आएगा, ठीक है। तो एस्टीमेशन अगर आगे जा रहा है तो आप क्या करेंगे इसको 1 पीछे चले जाएंगे, मतलब 3 3 कर लिया, तो अब आपका कैलकुलेशन क्या होगा 3 × 6 × 2 × 100, ठीक है, तो 3 6 18 2 36 और 3600 हो जाएगा। तो इस तरह से अब एस्टीमेशन हमने जब 3 लिया तो इसका कैलकुलेशन कितना आ गया 3600 आ गया, ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या करेंगे 3 × 3 × 63 तो 3 × 3 × 63 दैट इज 567 567 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 4167 यानी 4167, तो 4167 हम
यहाँ पे लिखेंगे, और साथ में हमारा किस एस्टिमेशन से आया, तीन से आया, तो यहाँ पे हम तीन लिखेंगे, यहाँ पे भी तीन लिखेंगे, और यहाँ पे भी तीन लिखेंगे, और इधर हमारा आंसर बॉक्स में भी थ्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। लाइन खींच देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। 4812 में से 4162 और 67 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचा 5, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे कितना बचा, 645 बचा। अब देखिए 645 बचा, अभी हमने ये वाला पेयर उतारा था, ये वाला पेयर उतारना बाकी है, तो हम इस पेयर को 904 यानी 904 को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 904 इसको जरा फिर से लिख देता हूँ। सो ये 904, ठीक है, 904 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हमें एस्टिमेशन करना है, तो अब हम ये दो डिजिट छोड़ देते हैं, 04 को हम छोड़ दे रहे, 6459 6459 और बटे में, अब इसको इसको जोड़ लेते हैं, पहले 3 3 6 3 9, तो 9 यहाँ पे आए, एक डिजिट के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, और ये 6 आए, तो अब क्या होगा हमारा, 6459, यहाँ पे दो डिजिट हमें छोड़ के चलना है कैलकुलेशन में, 6459 और बटे में कितना होगा, 69 और गुणा में 23, तो इसको हम करके देख लेते हैं एस्टिमेशन। तो देखिए 6459 और बटे में 69 इंटू 23, सो दैट इज 6459 अपॉन 1587, सो जी आया हमारा अप्रोक्सीमेशन कितना आया, 4 आया। अब जब हमारा 4 अप्रोक्सीमेशन आया, तो अब देखिए पोजीशन क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे ये था 23, है कि नहीं, अच्छा यहाँ पे क्या था हमारा 69, और अप्रोक्सीमेशन क्या आया, 4 आया, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे ये 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, तो एक स्टेप हमारा कैलकुलेशन का होगा 4 × 69 × 23 × 100, सो दैट इज यहाँ पे लिख लेते हैं 4 × 69 × 23 × 100, अपनी तरफ से मतलब 2 0 पुट करने हैं, चाहे तो यहाँ इंटू लिखो, ये तो कैलकुलेशन की बात है, ठीक है, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। दूसरा कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, 4 × 4 × 694, तो 4 × 4 × 694 दैट इज इतना, और इसको प्लस कर देंगे तो जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर था, इसलिए इसका 645904 बिल्कुल वैसा ही आ गया जो यहाँ पे था, 645904, यानी क्या आया था हमारा, 4 एस्टिमेशन लेने से आया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 4 4, और यहाँ पे क्या हुआ, ये रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, मतलब हमारा कंप्लीट हो गया, तो आंसर बॉक्स में क्या लिखना था हमें, यहाँ 4, यानी ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 128129 04, इसका क्यूब रूट 234 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये एलजेब्रा के द्वारा कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ, तो एलजेब्रा के द्वारा, अब देखिए एलजेब्रा के द्वारा मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, इसको हम टैली करके बताएंगे, तो वेरीफाई कर रहे हैं हम सिर्फ, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए और कुछ नहीं। वेरीफिकेशन में 3x² = देखिए 4812, यहाँ हमने 48 लिया था, जोड़ी छोड़ दी थी, यहाँ पूरा लिया, x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो x की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि x क्या है, 10 डिजिट है, और 10th प्लेस का है, इसलिए 10 × 10 100 हम अपनी लगाएंगे इसमें, क्योंकि 3x² है, तो x² यानी 10 × 10 100 लगेगा, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 12, 1200, तो बटे में आ जाएगा 4, तो 1200 बटे में आया, तो कितना अप्रोक्सीमेट 4 आया, तो इसका एक्चुअल जब कैलकुलेशन 2 और 4, यानी x = तो हमारा 2 था, और y = कितना आया हमारा, ये 4 आया, तो हम इसकी वैल्यू जब रखेंगे 3x² y, इसकी वैल्यू इतनी आई, 3xy², इसकी वैल्यू ये आई, और y³ की वैल्यू ये आई, इन तीनों को जोड़ा तो देखिए ये इसके बराबर हो गया, लेकिन ये तो ज़्यादा हो रहा ना, यहाँ पे 4812 है, और यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन हमारा कितना आया 5824, यानी हमें एक रिवर्स में जाना होगा, तो एस्टिमेशन अब हम x को वो y को 4 की जगह हम क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे, तो y को 3 लेके चलेंगे, जब इसका कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे तो ये कितना आया, देखिए 3x² y का कैलकुलेशन 3600 आया, 3xy², अब देखिए इसमें x एक बार है इसलिए हमने 10 मल्टीप्लाई किया, 540 आया, y³ का 27 आया, इन तीनों को जोड़ा तो देखिए ये टैली हो गया 4167 हमने यहाँ लिख दिया। इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाए, और मेरा कोई मकसद नहीं है इसमें, डाउट्स हमारे क्लियर कराने का मकसद है। ठीक है, चलिए एस्टिमेशन अब अगला वाला लेंगे 3x² y, तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद ये आया 645904, इसमें हमने क्या किया था, इसके टू डिजिट छोड़ दिए थे कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए, अब देखिए इसमें कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो देखिए 645904 में से हमने 6459 खाली दो डिजिट छोड़ के लिया था, अब इसमें हमने पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो हम एलजेब्रा से लगा रहे हैं, तो पूरा लेंगे, अब इसमें देखिए x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ तक आ गए ना अपन, तो x की वैल्यू 23 आ गई, तो 23 का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर था तो 100 लगा दिया, तो ये 3x स्क्वायर y का कैलकुलेशन आ गया, तो y की इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4 आएगी। अब y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4 आई और x की वैल्यू कितनी थी हमारी, 23 थी, तो x इज इक्वल टू 23, y इज इक्वल टू 4, इससे हमने 3x स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाली, इसमें एक्स स्क्वायर जहाँ है वहाँ 100 लगाना पड़ेगा और ये वैल्यू हमारी आ गई 3x वाई स्क्वायर, इसमें x एक बार है इसलिए 10 लगाएंगे, ये वैल्यू आ गई 3x वाई स्क्वायर की, और वाई क्यूब की वैल्यू ये आ गई, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये देखिए इससे टैली हो रहा है, कितना टाइम बच रहा है। अब आप देखिए, अब आप इमेजिन करिए, जो आप लोगों ने लिखा था कि साहब इसमें दो जीरो क्यों लगाते हैं, दो जीरो क्यों छोड़ते हैं, तो अब देखिए आपका कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन आपका कैलकुलेशन कितना शॉर्ट हो गया, कितना शॉर्ट हो गया। सो ये जो है टाइम को सेव करने के लिए किया था मैंने, ठीक है। तो अब आई थिंक जिन लोगों ने भी इस तरह की क्वेरी की थी या जिनके मन में आगे इसको देखने के बाद क्वेरी आएगी तो वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि सर डेसिमल वाला भी बताइए, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कैसे निकालेंगे, तो अब मैं अपने मेथड से डेसिमल के 3 प्लेस का बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लंबे में आप लोग बोर ना हो जाए, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है, तो इसको थोड़ा सा हम अपने ही कैलकुलेशन से करके बताते हैं कि डेसिमल में 3, क्योंकि इसमें आपका टाइम सेव हो रहा है। अब आपने खुद देखिए, आप खुद कंपेयर करिए यहाँ पे कितना बड़ा कैलकुलेशन है, कितना लंबा, करीब करीब 2 गुना हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन, तो इसमें टाइम लग रहा होगा ना ज़्यादा। तो इस तरह के कैलकुलेशन से आप करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, एक्यूरेसी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, अब एक नंबर लेते हैं हम ऐसा जो कि नॉन परफेक्ट नंबर है। नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से, और वो भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अब देखिएगा, अब आपको ये हमने एक नंबर लिया, छोटा सा नंबर है, लेकिन चूंकि ये नॉन परफेक्ट है और इसको हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर। अब क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64, 5 25 5 125, इस तरह का हमने ऊपर एक कैलकुलेशन किया हुआ है, वो परफेक्ट नंबर था, ये नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी यहाँ पे आएगा 4 और आंसर बॉक्स में भी यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64 और यहाँ पे लिख देंगे 64 और यहाँ पे माइनस कर देंगे, और इसमें से इसको यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। तो देखिए 5 में से 4 गए, 1 बचा, और 7 में से 6 गए, कितना बचा, 1 बचा, तो ये हो गए 11, ये कितना हो गया 11। अब इसको 3 डिजिट, ये जो 3 डिजिट हैं इनको हम ये पेयर उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 040, ठीक है। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चलिए, अब हमें एस्टीमेशन करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, इसका एस्टीमेशन करना होगा। तो एस्टीमेशन के लिए क्या करते थे, जैसा कि मैंने बताया था, ये 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 110, और यहाँ पे इसको टोटल कर लीजिए 448 और 412, यानी 4 4 8 4 12, 1 डिजिट के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसका एस्टीमेशन कैसे निकालेंगे, 110/12×4, यानी 110/12×4 12×48, तो 48 2 96 लगभग 2 आया। तो यहाँ पे 2 आया, तो एस्टिमेशन हमारा अगर 2 आया तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 2, और यहाँ पे 2 एस्टिमेशन आया, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे 4 होगा। तो एक कैलकुलेशन हमारी होगी 2×12×4×100, ठीक है, 2×12×4×100। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2×12×4×100=9600, ये हो गई हमारी एक कैलकुलेशन। और दूसरी कैलकुलेशन क्या होगी, 2×2×122, 2×2×122, तो 2×2×122 यानी ये होगी 488, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो प्लस करके आया 188, ठीक है। अब हमें देखिए, ये नॉन परफेक्ट नंबर था इसलिए ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 188 हो गया। अब 188 हो गया, तो यहाँ पे कितना आया था हमारा एस्टीमेशन, कितना आया था, 2 था, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आ रही होगी, तो ये थोड़ा सा हम दोबारा से लिख देते हैं, ये थोड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा था, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो ये इतना एक्चुअल कैलकुलेशन आया। अब यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2
और यहाँ पे 13 में से 8 के 5 और यहाँ पे 10 यानी कितना हो गया 9। सो 952 यानी 952 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारे पास में डेसिमल इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारे पास कोई इसमें पेयर ही नहीं है, तो पेयर अब हमें डेसिमल लगा के पेयर्स बनाने होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा डेसिमल के बाद में 3 जीरो से 1 पेयर बन जाता है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। 3 जीरो लगाए तो यहाँ पे भी हमें 3 जीरो लगा के लिखना पड़ेगा 0 0 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे अब मैं इसमें एक्चुअल जो रफ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें हम डेसिमल नहीं लगाएं, डेसिमल सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो ठीक है, यहाँ पे 952.00 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 2 3 6, 2 का 2 और 1 का 1, यहाँ पे एक डिजिट के लिए हमने छोड़ दी स्पेस। अब देखिए ये 126 हो गया, तो अब हमारा एस्टिमेशन क्या जाएगा, अब इसके हिसाब से यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में करेंगे। देखिए 126 था हमारा यहाँ पे, ठीक है 126 था और यहाँ पे ऊपर क्या था 42। तो अब हम इसका एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ की 2 डिजिट हटा देंगे यानी ये 9520 लेके चल रहे, डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं, रफ कैलकुलेशन में हम डेसिमल यहाँ लगाते जाएंगे, ठीक है उससे टाइम सेव होगा, ये मतलब हमारा। तो 2 डिजिट छोड़ दें, 9520 लेके चलेंगे। 9520 अपॉन में क्या आएगा 126 यानी 126 गुणा 42। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9520 अपॉन में क्या लिख दिया 126 गुणा 42, ये कितना आया 9520 था, बटे में कितना आया 5292 यानी 2 बार पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, देखिए 5 2 10 एक्सीड कर रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेट 1 लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि डेसिमल लग गया है तो 42.1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैलकुलेशन में तो हमें इन दोनों को अलग अलग लेके चलना सेपरेट सेपरेट, तो 1 गुणा 126 गुणा 42 तो ए और गुणा 100, तो 1 गुणा 126 गुणा 42 गुणा 100 इसका कैलकुलेशन आया हमारा 5,52,9,200। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। दूसरा कैलकुलेशन हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1261, 1 गुणा 1 गुणा 1261, तो ये हमारा 1 गुणा 1 गुणा 1261 यानी इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 530461। तो यहाँ पे यहाँ से उतारेंगे हम, ऐसे ही लिख लेंगे 461 पॉइंट और 530 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा आया किससे था, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट 1 मानने से आया था, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0.1, यहाँ पे भी 0.1 और यहाँ पे भी 0.1, इनको ऐड कर देंगे तो 1 1 2 1 3, तो इस तरह से हम लिखते चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा और फिर 6 और फिर यहाँ पे 2 और ये 1। ठीक है 6 2 1, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 1। ठीक है 126.3, अब एक डिजिट हमने छोड़ दिया यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस करना है हमें, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 9 में से 4 गए 5, तो ये आ गया 539 और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ जाएगा, 1 आ गया और यहाँ पे 5 में से 3 गए 2 बचे और यहाँ पे 9 में से 5 के 4 बचे, यानी ये हो गया 421.539। लेकिन अभी तो हमने जैसे बताया था, वायदा किया था कि 3 डिजिट तक हम निकाल के बताएंगे, तो अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, 1 3 जीरो और लेने पड़ेंगे यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो लेंगे तो हम फिर यहाँ पे भी 3 जीरो हमें लेने होंगे। अब हमारे पास और बड़ी फिगर हो गई, अब इसमें से हमें 2 डिजिट छोड़ देनी है, यानी फिगर हम क्या लेके चलेंगे 4215390। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये इस तरह से लेकर चलनी है। ठीक है, इस तरह से लेकर चलेंगे हम, तो अब हम करते हैं इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे 4215390 ये हम यहां पे लिख दिया हमने, और अपॉन में क्या होगा 1263 मल्टीप्लाइड बाय 421 1263 और गुणा 421। इसमें देखो दशमलव हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि दशमलव हम यहां लिखते जा रहे हैं, यहां क्लियर हो रहा है। अप्रोक्सीमेट जब हमने कैलकुलेशन किया तो देखिए 5 7 35 5 8 40 8 बार यहाँ पे जा नहीं रहा है एक्चुअली भाग, जब आपका इसका 8 से गुणा करेंगे ना तो ये 42,000 को एक्सीड कर रहा था, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट 7 लिखा। ठीक है 7 अप्रोक्सीमेट लिखा, अब देखिए 7 थोड़ा सा पानी मैं पी लूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए तो इसमें हमने अप्रोक्सीमेट क्या लिखा, इसमें अप्रोक्सीमेट हमने लिखा है 7।
अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 7 लिखा, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें 7 अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, मतलब हमारे पास फिगर क्या हो गई। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या फिगर आ गई है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली ये सब चेंज हो गया। अब यहाँ पे 421 था हमारा, और यहाँ पे क्या हो गया था, 1263 हो गया था, और 1263 के बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन अगर 7 आया, तो ये 7, ये 7 और ये 7, तो एक बार तो हमारा होगा 7 इंटू 1263 इंटू 421, ठीक है, ये इस तरह से आएगा इंटू 100। तो ये एक तो क्या आएगा, 7 इंटू 1263 इंटू 421 इंटू 100, और दूसरा आएगा 7 इंटू 7 इंटू 12637, इस तरह से आएगा। तो देखिए यही हमने कैलकुलेशन में इसमें लिखा हुआ है, 7 इंटू 1263, ये दो भागों में बाइफरकेट कर दिया, इंटू 421 इंटू 100, तो ये कैलकुलेशन इतना आया। और दूसरा हमारा क्या आया, 7 इंटू 7 इंटू 12637, यानी 7 गुणा 7 गुणा 12637, तो ये आ गया। तो ये कितना आया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, क्या होगा ये 372, यहाँ पे लिख देता हूँ, दशमलव कितना हो गया, 8253 और 13, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन और रह गया, थोड़ी देर और आप हमारे साथ में बने रहिएगा वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन 7 दिया था और 7 से ही कैलकुलेशन आ गया, तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसमें भी 7 आ जाएगा, यानी ये दो डिजिट तक हमने निकाल लिया, 42.17, ठीक है, 42.17 आ गया, ये कितना आ गया, 42.17, ठीक है, तो ये 42.17 इस तरह से आ गया। अच्छा अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ पे 8 बचे, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 8 बचे, यहाँ पे कितने, 9 में से 3 6 बचे, यहाँ पे 6 बचे, 9 में से 3 गए तो यहाँ पे 6 बचे, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 1, और यहाँ पे 15 में से 8 गए 7 बचे, और यहाँ पे हो गए 10, 2 में से 10 बचे, तो 10 में से 2 गए 8 बचे, दशमलव आ गया बीच में, और यहाँ पे कितने हो गए 11 में से गए, तो ये 11 में 7 गए तो 4 बचे, और यहाँ पे 3 में से 3 गए 0 बचा, यानी 48.713687, इसको 8 को मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, तो 8 ये 87 है, यहाँ पे क्या है 87, ठीक है, अब क्लियर हो गया 48.713687, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब फिर हमें 3 जीरो यहाँ पे लाने पड़ेंगे और यहाँ पे 3 जीरो लाने पड़ेंगे, ठीक है, ये बहुत ही हैवी कैलकुलेशन है, ठीक है, मैंने बड़े से बड़ा बता दिया ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 21 एक आया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 2, अब यहाँ पे तो अब आगे तो हमें करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 7 21 आ गया, और यहाँ पे 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे 126, तो ठीक है ऐसे मैं लिख देता हूँ 126.51, ठीक है, तो 126 और ये पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे 51 आ गया, ठीक है, 126.51, सो 126.51 आ गया, सो 126.51। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करें, अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे 2 जीरो हटाने होंगे, और 2 जीरो हटाने होंगे मतलब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 487136870 लेंगे हम, ये हमने कैलकुलेशन पहले ही यहाँ पे शो कर दी ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 1 2 6 5 1, और गुणा में 42 17। अब इसका गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा, और इसमें से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये लगभग 5 9 45, 5 10 50, लगभग 9 टाइम जा रहा है, ये लगभग 9 अप्रोक्सीमेट 9 आया, अप्रोक्सीमेट 9 आया, यानी 42.179 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 3 डिजिट तक इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की कि आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक भी बता दूं, और बाकी का जो डाउट्स थे आपके वो भी मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की। तो आई थिंक इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। जो लोग भी क्यूब रूट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये क्यूब रूट निकालना नहीं जानते हैं डिविजन मेथड से, तो ये भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मैथ्स अगर अच्छे से सीखनी है तो उसको गहराई से सीखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मुझे पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।